श्रीनाथ जी गुरु जी को लख आदेश, माँ भगवती को लख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को लख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। नारायण का अवतरण हुआ था हिरण्यकश्यप का वध के लिए। जब एक राक्षसों के राजा का हम वर्णन सुनते हैं, उसका अर्थ होता है कि हम उन सब नकारात्मक शक्तियों का पराकाष्ठा के विषय में बात कर रहे हैं। जो कथाएं हैं सनातन धर्म में, इंग्लिश में उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जिस तरीके से जो कवि है वो नदी के लहरों को एक स्त्री के बाल की तरह देखता है, चंद्रमा को मुस्कुराते हुए देखता है, ठीक है, कवि कहीं भी पहुंच सकता है। उसी तरीके से जब हमारा सनातन धर्म चीज़ों को लिखता है तो उस हिसाब से लिखता है कि जो सबसे निम्न स्तर का जो व्यक्ति है वो भी उसको समझ पाए, तो उससे जुड़े उसी हिसाब से उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो जब राक्षसों के राजा का वध का विषय आया, उससे ये समझना चाहिए कि जितने भी आपके आसपास में नकारात्मक ऊर्जा है उसको जो नष्ट करने वाला है उस शक्ति को नरसिंह कहते हैं, ठीक है। तो किसी को डर लगता हो, किसी को ये डर है कि वो खाने में विषपान ना कर ले, किसी के घर में भूत पिशाच का प्रभाव है, कोई ग्रह दोष से परेशान है, ठीक है, कोई शाकनी डाकनी से परेशान है, कोई छल छिद्र से, कोई माया तंत्र से, किसी भी तरीके का अभिचारिक प्रयोग से अगर आप परेशान हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं, तो ये मंत्र जो है आपके लिए है। जीवन में कैसा भी नकारात्मक ऊर्जा हो, ये आपको उससे मुक्ति दिलाएगा, ठीक है। आते हैं कि क्या क्या आपको इसमें सामग्री लगेगी। सबसे पहले इस साधना को करने के लिए, जैसे बाकी नारायण साधना में आप तुलसी का माला का प्रयोग करते हैं या चंदन का माला, इसमें नहीं करना है। इसमें या तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं या हल्दी की माला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वस्त्र जो है वो पीले रंग का होना चाहिए, ठीक है। रोट का प्रसाद गुड़ दे करके बनाएंगे, ठीक। और जो हवन सामग्री है उसमें जो धान होता है, तो जब धान को मिल में छीला जाता तो उसकी खिल्ली निकलती है, तो उस खिल्ली को गाय के घी में मिला करके, ठीक है, और टेमरू एक लकड़ी होता है, इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, उस लकड़ी पर हवन होता है, ठीक है। और अगर वो ना मिले तो जो बेलपत्र होता है उसकी लकड़ी का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। जो शुरुआती साधना रहेगी उसमें आसन जो है वो कमल का रहेगा, पीला आसन, वस्त्र आपका पीला रहेगा, ठीक है। उत्तर की तरफ मुख करके आप साधना करेंगे। अगर आपका पूजा का स्थान है घर में तो उसी पूजा के स्थान पर आपको साधना करनी है, ठीक है। ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नरसिंह भगवान का सबसे बड़ा महामंत्र माना जाता है। इस मंत्र का एक विस्तृत विधान भी है और एक विस्तृत मंत्र भी है, लेकिन उसमें एक आम गृहस्थ को नहीं जाना है, ठीक है। इस साधना को आप रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको सिद्ध करना है तो दीपावली, होली, शिवरात्रि, ठीक, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या जिस दिन पड़े उस दिन आप नरसिंह मंदिर में या फिर किसी भी महादेव के मंदिर में जा करके इसका 1008 बार जाप करें, और इस मंत्र को पढ़ने के बाद 108 बार नरसिंह गायत्री का जाप करना चाहिए। और जाप करते हुए जो हवन मैंने आपको बताया है
वो नरसिंह गायत्री से अगर आप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो साधना की शुरुआत कैसे करें, क्या करें सबसे पहले? तो सबसे पहले जब इस साधना को करेंगे तो एक माला हम नरसिंह गायत्री का करेंगे। तो क्या है नरसिंह गायत्री? नरसिंह गायत्री कुछ चीज़ें आपको पता हैं जो मैंने पहले की वीडियो में बोला है कि जब पूजा करने बैठते हैं तो हाथ में जल लेकर के ओम पवित्रो पवित्रो वा मंत्र से खुद को शुद्ध करते हैं, अपने आसन को शुद्ध करते हैं, पृथ्वी तया धृता लोका देवी तम विष्णुना धृता तम च धारिय माम नित्यम पवित्र गुरु च आसनम इस मंत्र से। फिर पानी छिड़कते हैं, ओम रक्ष रक्ष पवित्र व्रज भूमि रक्ष स्वाहा, बाएं कान पर हाथ डाल के ओम गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परापर गुरुभ्यो नमः परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः, बाएं कान पर ओम श्री गणेशाय नमः, पीछे की तरफ प्रणाम करके ओम क्षेत्रपालाय नमः नमः, जमीन की तरफ हाथ करके ओम कुर्माय नमः, आकाश की तरफ हाथ करके ओम अनंताय नमः, और फिर सामने देख करके बोलेंगे ओम नरसिंहाय नमः। फिर एक माला नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। इतना करने के बाद 7 बार जो नरसिंह जी का मूल मंत्र है उसका जाप करेंगे। ये दूसरे वीडियो में भी मैंने दिया है। ओम श्री उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतोमुखांग नरसिंहम भीष्णम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमामि हम छौम ओम, इससे अंत करेंगे। ठीक है, इसके बाद सीधे हम आ जाएंगे विनियोग पर। हाथ में जल लेंगे, ओम अस्य श्री नरसिंह मंत्रस्य श्री विष्णो ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महावीरो नरसिंह देवता विष्णो अवतार इति बीजम ओम लक्ष्मी नारायण शक्ति ही छौम हम कवचम ओम फट स्वाहा कीलम मम अभिष्टकार सिद्ध्यर्थ जपे विनयोग। इसके उपरांत खुद को शुद्ध करेंगे तो अंग न्यास करेंगे। सबसे पहले हृदय का स्पर्श करेंगे अचक्राय स्वाहा, फिर सिर का स्पर्श करेंगे विचक्राय स्वाहा, फिर शिखा का स्पर्श करेंगे टीक का सुचक्राय स्वाहा, फिर कवच जो बायां हाथ है उसको दाहिने कंधे पर और जो दाहिना हाथ है उसको बाएं कंधे पर रख के बोलेंगे धी चक्राय स्वाहा, नेत्र का स्पर्श जो मध्यमा है उससे त्रिनेत्र का और दोनों उंगलियों से दोनों आँखों का स्पर्श करते हुए अगल बगल की सम चक्राय स्वाहा, और अस्त्राय फट जो दाहिना हाथ है उसका तर्जनी और मध्यमा को बाहर निकालेंगे, बाकी तीनों उंगली को बंद कर लेंगे और सर के चारों तरफ घुमाएंगे हाँ 3 बार, और उसके बाद बाएं हाथ थैली पर उसी दो उंगली से जो है हम ताली बजाएंगे ऐसे और बोलेंगे ज्वाला चक्राय स्वाहा। ठीक है, इतना करने के बाद जो मूल मंत्र है उसका जाप करेंगे। क्या है मूल मंत्र? बहुत छोटा सा है। ओम छौम नरसिंह उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। ओम छौम नरसिंह उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। ओम छौम नरसिंह उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। ठीक है, तो इस मंत्र का अगर रोज जाप कर रहे हैं तो 108 बार, अगर इसको सिद्ध करना है जो दिनांक मैंने बोला है तो 1000 बार पढ़ के उसके बाद 108 आहुति जो है नरसिंह गायत्री मंत्र से देना है। ठीक है, और उसके बाद जब भी डर लगे या किसी को कहीं पर भूत प्रेत का उतारा करना है या फिर कहीं नकारात्मक ऊर्जा है किसी का तंत्र काट करना है तो सिर्फ इस मंत्र से अमुक व्यक्ति का या स्वयं का आप संकल्प ले करके और मंत्र से हवन कर दीजिए 108 बार नरसिंह गायत्री से और 108 बार इस मंत्र से। तो जिस घर में भय का वातावरण होगा, जिस घर में या पुरुष पर या महिला पर तंत्र का बाधा होगा, विष का बाधा होगा, ग्रह के चलते परेशान रहते होंगे, हर तरीके का जो भी परेशानी एक मनुष्य को हो सकता है सिर्फ इस मंत्र के जाप और हवन से वो कट जाता है। आज के लिए इतना ही। भगवान नरसिंह और रांची वाले भैरव बाबा आप सभी पर अनंत कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आला खादेश। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंगजम
व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं।